23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भीड़ के जय श्री राम नारे से भाषण बाधित होने पर नाराज हो गई। इसके तुरंत बाद बीजेपी की बंगाल यूनिट ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मुख्यमंत्री कुछ इस्लामिक वर्सेस पढ़ती नजर आ रही हैं। सीएम पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया। उसी वीडियो को बीजेपी सांसद मनोज कोटक और पार्टी की महिला शाखा की सोशल मीडिया प्रभारी प्रीति गांधी ने भी शेयर किया। यहां तक कि इंग्लिश न्यूज चैनल टाइम्स नाउ ने भी ट्वीट को लेकर रिपोर्ट किया। हालांकि उन्होंने ये बताया कि वीडियो पुराना है लेकिन पूरा संदर्भ नहीं बताया। लेकिन सच क्या है, बीजेपी के ट्वीट के कमेंट सेक्शन से गुजरते हुए हमने देखा कि एक यूजर ने क्लिप का एक लंबा वर्जन शेयर किया था। 1 मिनट 27 सेकंड की लंबी क्लिप में ममता बनर्जी ने दूसरे धर्मों की धार्मिक पंक्तियों का भी पाठ किया है। इससे हमारा संदेह बढ़ा और हमने इसके तह तक जाने का फैसला किया। वीडियो के कई फ्रेम में से एक फ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च ने हमें 2018 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए ममता बनर्जी के भाषण के कंप्लीट वर्जन पर पहुंचा दिया। 21 मिनट 33 सेकंड पर वीडियो में हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को हिंदू श्लोकों को पढ़ते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो में 22 मिनट और 6 सेकंड के बाद इस्लामिक पंक्तियां शुरू होती हैं और उसके बाद क्रिश्चियन और सिख प्रेयर भी हैं। हमें डीडी न्यूज की एक रिपोर्ट भी मिली जिसमें बताया गया कि वीडियो माटी उत्सव के उद्घाटन का है। तो साफ तौर पर पता चलता है कि ममता बनर्जी के एक पुराने भाषण का आधा अधूरा वर्जन सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था कि वो जय श्री राम का नारा लगाती भीड़ का विरोध कर रही हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए इस्लामिक वर्सेज पढ़ती हैं, जबकि वो उस पूरे वीडियो में कई धर्मों की धार्मिक पंक्तियां पढ़ती नजर आ रही हैं। हम बंगाल चुनावों से जुड़ी गलत सूचनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नजर आता है जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमें अपने सवाल व्हाट्सएप पर या webkoof@thequint.com पर भेजें। हमारे सभी फैक्ट चेक रिपोर्ट पढ़ने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर वेबकूफ को फॉलो करें और वेबकूफ ना बनें।